हुई प्याज चाहिए ऐसी खुली हुई, और हमें टमाटर चाहिए, और हमें चाहिए पनीर, और हमें चाहिए शिमला मिर्च। तो हम अब इन चीज़ों को पहले फ्राई कर लेंगे, हल्के हल्के सैलो फ्राई करेंगे हम पहले। देखिए हमने ये सैलो फ्राई कर लिया, अब हम करेंगे शिमला मिर्च को सैलो फ्राई। हल्का हल्का ही करना, कोई ज़्यादा नहीं करना, बट डाल के 2 मिनट के बाद निकाल लेना। देखिए हमारी ये शिमला मिर्च भी सैलो फ्राई हो गई है। बस अब हम पनीर करेंगे। पनीर अपने मुताबिक ले सकते हैं, आपको कितना खाना कितना नहीं। मैंने 400 ग्राम लिया और 250 ग्राम मैंने करते हैं शिमला मिर्च लिए और 4 प्याज लिए। और हम करते हैं पनीर को कल का फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जल जाएगा। देखिए अब हमारा पनीर भी एक सब मैंने कर लिया, 2 मिनट के लिए करा है, मैंने ज़्यादा दिन नहीं तो ये सारा टूट जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर हम आगे हम डालते हैं इसमें जीरा और प्याज और टमाटर डाल देंगे, हल्का सा इसको गला लेंगे। देखिए जब ये हल्का सा गल जाएगा तो मैं नमक डाल दूँगी हल्का सा, ताकि प्याज और टमाटर गल जाए, फिर इसे ठंडा करके मैं मिक्सी में पीस लूँगी और फिर मैं सब्जी को तड़का लगा। मसाले को अब आपको हम मिलते हैं मसाला पीसने के बाद। देखिए अभी मसाला गल गया हमारा, अब इसे हम पीसेंगे, ठंडा कर लिया है, हम पीस के अब हम सब्जी बनाएंगे। चुटकी भर हींग,
देखिए गाइस, हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और उसमें एक चुटकी भर हींग डाली है। और ये हमारा वही मसाला है जो हमने ठंडा करके पीसा था। इसे हम इस छन्ने से ऐसे छानते हुए ठोका दे देंगे, मसाला दे देंगे। अब हमारी यही चीज मसाला हमारी ग्रेवी का काम करेगा। देखिए वैसे अब हमारा मसाला हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में डालेंगे लाल मिर्च, स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अपने हिसाब से डाला नमक और इसमें मैंने साबुत धनिया पीस दिया था, तब धनिया डालने की जरूरत नहीं है। मैंने साबुत धनिया पहले ही इसमें पीस दिया मसाले में। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच डाल देंगे। कसूरी मेथी, अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। उसके बाद डालेंगे हम अपनी फ्राई करनी सब्जी। देखिए हमारा मसाला हो गया रेडी। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी। अब हम इसे रख लीजिए 2 से 3 मिनट और हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। देखिए हमारा चिली पनीर बनके रेडी हो चुका है। ये इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल यम्मी बना एकदम। ये हमारा तैयार हो चुका है चिली पनीर।